मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय स्कूल चले अभियान की शुरुआत की और इस दौरान सीएम मोहन यादव ने नन्हे नन्हे बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम मध्य प्रदेश को स्कूल शिक्षा में नंबर वन बनाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टियां हुए खत्म, नन्हे नन्हे बच्चे स्कूल जाने के लिए उत्साहित। सीएम मोहन यादव ने स्कूल चले अभियान का किया शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, स्कूल शिक्षा में एमपी को बनाएंगे नंबर वन। नन्हे नन्हे स्कूली बच्चों को मोहन ने तिलक लगाकर किया दुलार। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। आज से 3 दिन 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के प्रवेशोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल चले अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने नन्हे नन्हे बच्चों को प्यार से दुलारा और साथ ही तिलक लगाकर प्रवेश कराया। यहाँ पर है, उनका भी स्वागत करें, किए जा रहे हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। इसके बाद सचमुच सबको उत्साहित कर रही है ये प्यारी जी यहाँ पर दे रहे हैं, माननीय श्रीमती कृष्णा गर्ग जी। लघु किसान है आप, आईआईटी से बीटेक करने के बाद साइंटिस्ट में आपने 5556वीं रैंक के साथ बोर्ड परीक्षा में आज स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं। ये और इस तरह पंखुड़ियों की वर्षा भी यहाँ की जा रही है और साथ ही पुस्तकें भी। आपकी 5756वीं रैंक है, आप यहाँ पर हैं, अभी सम्मानित हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किए गए इस आयोजन में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे स्कूली शिक्षा विभाग ने बेहतर स्कूल व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास किया है। स्कूल प्रवेश उत्सव 3 दिन तक मनाया जाएगा। हमने 275 सीएम राइज स्कूल दिए और आने वाले समय में 275 और नए सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। शाला परिवार के सभी आदरणीय शिक्षकगण, सामने बैठे हमारे सभी प्यारे बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। पत्रकार मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत एक गौरव की अनुभूति कराने वाला है। हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत पूरे प्रदेश में हो रही। जैसा आप सब जानते हैं, हमारी सरकार ने, स्कूली शिक्षा विभाग ने लगातार शासकीय हमारे जो स्कूल हैं उनमें बेहतर शिक्षा, बेहतर संसाधन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बच्चों को मिले, इस बात के लिए लगातार प्रयास किया है। आज का दिन हमारे लिए विशेष रूप से इसलिए भी है कि जिस अभियान की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह अभियान 3 दिन तक लगातार चलेगा। आज आप बच्चों से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बात करेंगे, कल हमारे स्कूल्स में जो वहाँ पर पहले विद्यार्थी रहे हैं, बाद में अन्य जगहों पर जाकर अपनी देश को सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक रूप से समाज सेवा में काम कर रहे हैं, वो सब उनको हमने आग्रह किया है कि वो आकर अपने स्कूल में बच्चों के साथ बात करें और बच्चों को बताएं कि इसी स्कूल से निकल कर वो आज राष्ट्र की सेवा करने में कामयाब हुए। हमारा शासकीय स्कूल किस तरह से इस प्रदेश में बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहा है। और तीसरे दिवस 20 तारीख को हम पालकों के साथ संवाद करेंगे। आम तौर पर शासकीय स्कूलों में पालकों का दखल कम रहता है, लेकिन हम सब ने अपेक्षा की है कि पालक भी स्कूल्स में आकर बच्चों की प्रोग्रेस, शिक्षकों से संवाद, इस सब में अगर संपर्क में रहेंगे तो शायद हम बेहतर परिणाम लेकर आ पाएंगे। आज चूंकि लंबी बात करने का अवसर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको संबोधित करेंगे, मैं तो आज के अवसर पर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी चिंता की है
जिस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर काम करते हैं, शासकीय तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करे, हमने सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। 275 के आसपास स्कूल हमारे संचालित हैं और आगे आने वाले समय में 275 और नए सीएम राइज इस प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पर हाईटेक एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन और बेहतर से बेहतर सुविधाओं के साथ हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं, इस पर हमारी सरकार काम कर रही है। और वो हमारे स्कूल किसी भी किस्म से प्राइवेट, जो सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इस प्रदेश का है, उससे कमतर नहीं होगा, उसके समकक्ष होगा या उससे बेहतर होगा, इस बात के लिए हमारा विभाग काम कर रहा है, हमारी सरकार काम कर रही है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि मेरा पूरा एजुकेशन सरकारी तौर पर ही हुआ, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर जितनी जरूरत है उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहीं सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश को स्कूल शिक्षा में नंबर वन बनाने का ऐलान करते हुए भी नजर आए। स्कूल का और खास करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूँ, आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से। जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ उनका, कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य, कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। एक बार फिर मैं इस विद्यालय के इस अभियान की दो कारण से बधाई देना चाहूँगा। विजय जी ने कहा कि सरकारी विद्यालय, ये बात सही कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हाई सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है। और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूँ, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाली। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कुल मिलाकर स्कूल के नए शिक्षण सत्र को लेकर बच्चे उत्साहित हैं। मंच पर पहुंचे बच्चों में से एक छात्रा ने सीएम को सैल्यूट किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को गिफ्ट भी दिए और इस दौरान एक बच्चे को सीएम मोहन यादव ने गोद में उठाकर लाड लड़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।